क्लास 8 होली चाइल्ड स्कूल फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 135 टॉपिक सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. नंबर 1 गुड क्वालिटी वायर्स ऑफ प्रॉपर करंट कैपेसिटी एंड कवर्ड विद गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी यूज्ड. अच्छा क्वालिटी का तार और एवं जैसा हम लोग अप्लायंस यूज करेंगे वैसा क्वालिटी का हमको तार लेना है. जैसे अगर एसी चलाओगे तो उसके लिए मोटा तार, ठीक है ना, मोटा तार लगता है, उसमें पतला तार लगने से वो जल्दी गर्म होके गल जाएगा, ठीक है ना. एवं उसमें इंसुलेशन जो है यानी ऊपर का जो कवर है प्लास्टिक का रहता है रबर टाइप का, वो अच्छा मटेरियल का होना चाहिए. इसके लिए हम लोग अच्छी कंपनी का तार खरीदना चाहिए हमको. नंबर 2 प्लग सॉकेट्स एंड स्विचेस शुड ऑल्सो बी ऑफ गुड क्वालिटी टू अवॉइड फायर ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन देम. तो प्लग स्विच सॉकेट जिसके अंदर हम प्लग घोसते हैं उसको सॉकेट बोला जाता है, छेद छेद जिसमें होते हैं, तो ये सारी चीजें भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए क्योंकि इस्तेमाल करने से थोड़ा सा हीट होता है. अगर खराब क्वालिटी होगा तो गल के आग लग जाएगा. नंबर 3 फ्यूज वायर ऑफ प्रॉपर रेटिंग एंड मटीरियल शुड बी यूज इन ईच सर्किट. हर एक सर्किट बोर्ड में जहां जहां फ्यूज लगता है सही क्वालिटी का सही रेटिंग का, जहां मोटा होना चाहिए मोटा, जहां पतला पतला आपका फ्यूज का तार लगा होना चाहिए. नंबर 4 ऑल कनेक्शंस इन द सर्किट मस्ट बी टाइट. मतलब क्या है टाइट, मतलब लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सब अच्छे से तार वगैरह जुड़ा होना चाहिए, सेलो टेप लगा होना चाहिए, क्योंकि लूज कनेक्शन होने से वहां हीट ज्यादा होगा, चिंगारियां निकलेंगी, आग लग जाएगा. नंबर 5 ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मस्ट बी अर्थ टू प्रिवेंट एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो प्रत्येक जो करंट से चलने वाला चीज है, चाहे टीवी हो फ्रिज हो, अर्थिंग होना चाहिए उसमें ताकि शॉक ना लगे. स्विचेस एंड फ्यूज वायर शुड बी कनेक्टेड टू द लाइव वायर. स्विच और फ्यूज के जो तार हैं उनको लाइव वायर के साथ ही, मेन जिसमें करंट आता है उसके साथ ही जुड़ा होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज प्लग्स एंड सॉकेट्स शुड नॉट बी टच विथ वेट हैंड्स अदरवाइज इट विल लीड टू एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो गीले हाथ से कोई भी करंट का चीज आपको नहीं छूना चाहिए, करंट लग सकता है. नंबर 8 डिफेक्टिव प्लग्स सॉकेट्स एंड स्विचेस शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली. अगर कोई भी प्लग सॉकेट या स्विच खराब हो गया हो, थोड़ा सा गर्म हो गया हो या थोड़ा जलने का बदबू आ रहा हो, उसको संगे संगे उसको बदल देना चाहिए. नंबर 9 वाटर शुड नॉट बी यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. अगर करंट से कहीं कभी आग लग जाता हो तो पानी से उसको बुझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए. उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर आता है वो, या कुछ फोम केमिकल आते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, बालू यूज कर सकते हैं. पानी यूज करने से करंट फैल सकता है और मतलब फैल जाता है. नंबर 10 ऑल नेकेड वायर्स एंड जॉइंट्स शुड बी कवर्ड विद एन इंसुलेटिंग टेप. तो जितने भी नेकेड वायर्स हैं, नंगे तार जो खुले रहते हैं जिनके अंदर का तार निकला हुआ रहता है और जहां जोड़ते हैं हम लोग ज्वाइंट करते हैं, वो बढ़िया इंसुलेटिंग टेप जिसको हम सेलो टेप बोलते हैं या ब्लैक टेप बोलते हैं, उससे उसको पूरा लपेट देना चाहिए. यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनको आप करके मुझे फोटो भेजोगे. नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. द इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ग्रीक्स. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, यह सबसे पहले ग्रीक यानी ग्रीस में देखा गया था. इन 600 BC यानी BC होता है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से 600 साल पहले, अ ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस नोटिस दैट व्हेन अ पीस ऑफ एम्बर मतलब हार्डन ट्री रेजिन होता है पेड़ से निकला हुआ जो गोंद जैसा चीज होता है, बहुत सख्त जो सूख के हो जाता है, इज रब्ड विद अ फर. इसको अगर किसी फर यानी जो बाल होता है, जैसे भालू का बाल हो गया, खरगोश के बाल हो गया, चमड़ा समेत उसके साथ घिसने से इट अक्वायर्स अ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लिटिल पीसेस ऑफ ड्राई स्ट्रॉ. तो उस वो जो गोंद का टुकड़ा है जिसको हम एम्बर बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे
जो स्ट्रॉ भूसे के टुकड़े वो खींचने की ताकत आ जाती है, जैसे कि चुंबक खींचता है। बट ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग एंड डिड नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस। तो समझ में आया नहीं आया उसको क्या हुआ भाई ये, इसके आगे कुछ उसने उन्होंने नहीं किया। लेटर ऑन इन 1600 AD जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1600 साल बाद एन इंग्लिश फिजिसिस्ट नेम विलियम गिलबर्ट मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी। तो बहुत सिस्टम तरीके से उन्होंने एक पढ़ाई लिखाई किया। ही फाउंड दैट नॉट ओनली एम्बर बट मैनी अदर सब्सटेंसेज कैन एक्वायर दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग सर्टन सब्सटेंसेज ऑन रबिंग विद अदर सुटेबल सब्सटेंसेज लाइक ग्लास प्लास्टिक एंड डायमंड। तो इन्होंने ये देखा खाली एम्बर ही नहीं और भी कई सारे चीजें जो है उनको अगर दूसरी चीजों से घिसा जाए तो उनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, डायमंड हो गया। गिलबर्ट कॉल सच सब्सटेंसेज इलेक्ट्रिका। तो ऐसी चीजें जिनको घिसने के बाद उसमें ऐसी ताकत आ जाती है अट्रैक्ट करने की, उनको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिका। इन ग्रीक द वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर। तो ग्रीक में इलेक्ट्रॉन मतलब होता है एम्बर, जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। इट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सच एज इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हीं शब्दों से इलेक्ट्रिसिटी ये जो शब्द आया है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये जितने इलेक्ट्रिक वाले शब्द हैं इसी से आए, इलेक्ट्रॉन से। गिलबर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना आपको। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जिस फिजिक्स के भाग में, फिजिक्स के बहुत सारे भाग हैं जिसमें चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिनके अंदर स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज आ जाता है चाहे घिसने से या दूसरी चीजों से, तो इस पढ़ाई लिखाई को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेक अ प्लास्टिक कॉम एंड ब्रिंग इट नियर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो प्लास्टिक का कंघी लेके आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में लेके आओ। द कॉम डज नॉट अट्रैक्ट देम, तो कंघी इनको नहीं खींचेगा। नाउ रब द सेम कॉम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड ब्रिंग इट नियर द बिट्स ऑफ पेपर अगेन। अब उसी कंघी को आप अपने सूखे बालों में, गीले नहीं सूखे बालों में, इसको थोड़ा सा कंघी को घिसो, फिर आप कागज के बगल में लेके आओ। तो आप देख रहे हैं यहां पिक्चर में इस तरीके से वो खींचेगा। यू सी दैट प्लास्टिक कॉम अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर ऑन रबिंग अगेंस्ट ड्राई हेयर। हम देखेंगे कि सूखे बालों के घिसने के बाद साथ में उसमें एक अलग सी ताकत आ जाती है खींचने की। रबिंग अ कॉम अगेंस्ट ड्राई हेयर प्रोड्यूसेस अ फोर्स दैट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। तो घिसने के बाद उसमें एक ताकत आ जाती है कंघी में, जिससे वो खींच भी सकता है और रिपेल भी कर सकता है। इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द कॉम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर। जब सूखे बालों में घिसते हैं तभी हम बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया इसमें। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु में अगर चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड अनचार्ज्ड और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। और जिसमें चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं अनचार्ज्ड या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। A charged object can attract an uncharged object. एक charged वस्तु दूसरे uncharged वस्तु को attract कर सकता है। When this charge is not allowed to flow, it is called static electricity. जब इस charge को नहीं बहने दिया जाता, उसके अंदर ही रह जाता है, तब बोलते हैं इसको static electricity. Let us perform some more activities to understand the concept of electric charges. तो यहां पर एक मैं बता देता हूं कि भाई दो गुब्बारों को फुला के आप बगल बगल में रखिए, ठीक है ना, और एक गुब्बारों को आप थोड़ा घिस लीजिए, घिस के आप बगल में रखोगे तो दूसरे
गुब्बारे से वो चिपक जाएगा। इसी तरीके से अगर गुब्बारे को घिस के दीवार के पास में लेके जाओ तो वो दीवार से चिपकेगा। तो कुछ एग्जांपल्स को आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन अ ग्लास रॉड एंड अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक कांच का रॉड और सिल्क का कपड़ा अगर दोनों को घिसेंगे तो उसमें देखो ग्लास रॉड में बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज रहता है और सिल्क क्लॉथ में रहता है नेगेटिव। द ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू द सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क क्लॉथ को दे देता है। इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ग्लास रॉड आर लूजली बाउंड एज कम्पेयर टू दोज इन द सिल्क क्लॉथ। तो क्यों होता है? क्योंकि ग्लास के रॉड के जो बाहर बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एकदम बाहर बाहर के, ये लूज रहते हैं, बहुत आराम से निकल के वो सिल्क क्लॉथ में चले आते हैं। सिल्क क्लॉथ के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर रहते हैं, वो काफी स्ट्रांग बॉन्ड रहता है उनमें। नाउ द ग्लास रॉड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसमें चला जाता है इलेक्ट्रॉन्स टावल में, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, नहीं रहता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, यानी पॉजिटिव रह जाता है, नेगेटिव चला जाता है, एंड हेंस इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। हाउएवर द सिल्क क्लॉथ हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्क में आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। जिसमें कम वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। अब क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्लास रॉड से आपके इलेक्ट्रॉन्स सिल्क रॉड की जब हम टच करते हैं तो सिल्क कपड़े की तरफ जाने लगता है, जिससे खिंचाव तैयार होता है। सिमिलरली व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर, द फर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू द एबोनाइट रॉड। एबोनाइट एक तरीके का प्लास्टिक है, तो उसको अगर हम किसी फर के साथ घिसते हैं तो ऐसा ही होता है। इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ फर आर लूजली बाउंड, फर के जो इलेक्ट्रॉन से बाहर लेयर में तो लूजली होते हैं एबोनाइट रॉड से। नाउ द एबोनाइट रॉड हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फर से आपका एबोनाइट में चला जाता है तो उसमें ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए नेगेटिव, जिसमें ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड, और फर आपका कम हो जाता है इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो दोनों का नियम एक ही है। तो एक तो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है होमवर्क, और जहां तक पढ़ाया है आप छोटे छोटे पॉइंट, बड़े पॉइंट नहीं, छोटे छोटे पॉइंट खुद बना के उसका रीडिंग रिकॉर्डिंग भेजना। छोटे छोटे पॉइंट जैसे है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बना के कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड डैश इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। किसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से छोटे छोटे जितने हो सको आप क्वेश्चन बना के उसका फोटो भेजना और रीडिंग रिकॉर्डिंग भेजना।